हेलो फ्रेंड, मैं हूँ अपर्णा। आपका स्वागत करती हूँ अपर्णा बागची चैनल में। तो फ्रेंड, आप सोचिए कहीं फंस गए हैं और कम से कम प्रोडक्ट है आपके पास, तो आप तब कैसे तैयार होंगे? और आपको कोई ख़ास जगह में जाना है तो इस कंडीशन में मैं आपको 7 प्रोडक्ट में किस तरीके से तैयार होते हैं मैं आपको दिखाऊँगी। मैंने हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप दिखाई हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं। कम से कम प्रोडक्ट में मेकअप करना, मेरे पास है निविया एक हाइलाइटर, फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट लिपस्टिक, आईलाइनर और एक आईब्रो पेंसिल। 7 प्रोडक्ट से आज मैं आपको मेकअप करना दिखाऊंगी। तो फ्रेंड, पहले लेंगे निविया। निविया को अपने मुंह में अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज कर लेंगे, क्योंकि मॉइस्चराइज के बिना तो बाकी का सारा मेकअप मुश्किल हो जाएगा करना। अच्छा से इसे पूरे फेस में रब कर लेंगे। तो हो गया फ्रेंड्स, अब लगाते हैं फाउंडेशन। तो फ्रेंड, अब मैं लूँगी ये फिटमी का फाउंडेशन। ये मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर किया था, इसीलिए इसका पैकेजिंग डैमेज हुआ है, ये पंप नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे इसे इसी तरीके से लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक फिटमी का फाउंडेशन अगर हो तो मुझे लगता है हाफ मेकअप कवर हो जाएगा, क्योंकि ये एक फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसे मैं पूरे फेस में रब कर लेती हूँ। इसे मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा जगह दिया, तो ये अच्छा से ब्लेंड होगा। एक जगह भर के रखने से फिर वो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा यहाँ हुआ देखिए, अब अच्छा से इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। दोस्तों, आप मैं यहाँ हाथ से कर रही हूँ, आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं फाउंडेशन को हाथ से ब्लेंड कर रही हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम कम आइटम से मेकअप कर रहे हैं, इसीलिए मैं फाउंडेशन को ही हाइलाइटर फिर बनाऊंगी। फिर से फाउंडेशन लेके ये जगह मैं हाईलाइट करूंगी, जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट चाहिए मैं वो जगह हाईलाइट कर रही हूँ। इसे डबल कोट देके वो जगह मैं कवर करूंगी। तो ये रहा मेरा हाइलाइटर, मैंने इसे फाउंडेशन से ही कर लिया। तो दोस्तों, आप भी अगर ऐसे आपके पास कम सामान है, किसी वजह से कहीं गए हैं, फंस गए हैं, तो फिर अच्छा से रेडी भी होना है, तो आप इस तरीके से फाउंडेशन को डबल कोट करके हाईलाइट कर सकते हैं। अभी फ्रेंड्स, फाउंडेशन हाईलाइट की जगह मैंने कवर कर दिया है। अब एक इसे लॉक करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर लेके ब्रश के हेल्प से या ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से पूरे फेस को पाउडर से कवर करना है। फिर थोड़ा ज़्यादा से करने के बाद हम लोग पाउडर को डस्ट कर देंगे। दोस्तों, मैंने अच्छी तरीके से फेस में कॉम्पैक्ट पाउडर को लगाया, फिर अब मैं इसे डस्ट कर रही हूँ। अब दोस्तों, कॉन्टोर करना है, पर जो कि मेरे पास अभी हम एक चैलेंज जैसा कर रहे हैं, मेरे पास ये 3 कलर में है, तो आज मैं इसी से कॉन्टोर करूँगी, इसी से ही ब्लश करूँगी, इसी से ही हाईलाइट करूँगी। तो फ्रेंड, कॉन्टोर के लिए मैंने ये वाला कलर लेके अपने चिक पे लगा रही हूँ। तो दोस्तों, आप इस तरीके से एक ब्राउन कलर से कॉन्टोर इजीली कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर किसी वजह से आपके पास कम प्रोडक्ट है, तो आप ऐसे कम प्रोडक्ट में भी बेस्ट मेकअप लुक बना सकते हैं। और अगर आप मेरा वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि कम से कम चीज़ में किस तरीके से मेकअप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से।
दोस्तों मैंने कुछ प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कुछ बाय करना है तो आप आराम से बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों कॉन्ट्रोल तो कर लिया, अब इससे थोड़ा सा ये दोनों कलर मिला के ब्लश करेंगे। एक कलर में नहीं होगा, हाईलाइट बन जाएगा। तो ब्लश कर लेते हैं, अच्छा बन रहा है। वैसे फ्रेंड्स ये एक ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ये कुछ 150-170 पता नहीं कुछ ऐसे ही है, ऑनलाइन से है। तो ये एक प्रोडक्ट काफ़ी है पूरा ब्लश ये सब करने के लिए, कॉन्टूर हाईलाइट। अब ये वाला कलर से थोड़ा हाईलाइट कर लेंगे नोज़ के ऊपर, ये चिक पे थोड़ा सा, ये जगह और थोड़ा सा और। तो फ्रेंड अभी मैंने क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ किया, एक मॉइस्चराइज़र किया, एक फाउंडेशन किया और कॉम्पैक्ट पाउडर किया। तो कितने हुए, 1, 2, 3, 4 प्रोडक्ट में ये लुक्स आया है। तो फ्रेंड अब आईब्रो कर लेते हैं। आईब्रो सबसे मेन चीज़ है, आईब्रो करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप तो जानते ही होंगे ये वाला लिप लाइनर को, तो ऐसा एक बढ़िया सा लिप लाइनर, या आप, मैं आपको बिल्कुल नहीं फोर्स नहीं करूँगी कि आप यही वाला यूज़ करो। आपके पास कोई बेटर ऑप्शन है तो आप वो यूज़ करो, क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल लगता है। तो इस तरीके से मैं आईब्रो को ड्रॉ करूँगी। दोस्तों आईब्रो में ना बहुत ही बारीकी ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो आप क्या करिए, आईब्रो को सेट करके रखिए, फिर उसके ऊपर आप जब लाइन करेंगे ना आपको बहुत आसानी होगा। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत शेप आप आईब्रो पेंसिल से दे सकते हैं, और दोनों आईब्रो को सेम रखना भी थोड़ा सा कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फ्रेंड ये जो जगह है ना, यहाँ में थोड़ा हल्का हल्का सा आपको रखना होगा, यहाँ आप बहुत ज़्यादा प्रेस मत करिए। तो फिर इस तरीके से खींचते हुए मैंने ये आईब्रो को कंप्लीट कर दिया। तो दोस्तों आईब्रो मैंने बना लिया, अब इसे थोड़ा सा कॉम करके सेट कर लेती हूँ। अब हाफ लुक तैयार हो चुका है फ्रेंड। अब इसी हाइलाइटर से हम आई मेकअप करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये लाइट कलर लेके ये आईब्रो की जो जगह है ना दोस्तों, ये जगह को थोड़ा सा शाइन कर लूँगी, और फिर मैं ये ब्राउन कलर लेके आँखी के ऊपर दूँगी। दोस्तों इसे आप ब्रश से भी कर सकते हैं, शाइन वाला है ना तो अच्छे से ऐसे चिपक जाएगा बोल के मैंने फिंगर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ये वाला कलर लेके थोड़ा सा आँखी का कॉर्नर में दे रही हूँ। तो आँखी के कॉर्नर में मैंने इसे दिया। अब मैं ये ब्राउन कलर लेके ये नीचे में थोड़ा सा दे रही हूँ। तो इससे क्या होगा, आँखी में एक हल्का सा आई बैग्स वाला लुक्स के साथ एक अच्छा सा लुक्स आ जाएगा। दोस्तों मैंने दोनों आईज कंप्लीट कर लिया है। आप देखिए आई मेकअप हो चुका है। अगर आप चाहे तो, अगर थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट वगैरह करना है तो ये सब कलर लेके आप ये सब जगह थोड़ा और डाल सकते हैं। फिलहाल इतना मुझे काफ़ी लग रहा है। अब फ्रेंड्स मैं एक कल ही लाई हूँ एक मैट आइस मैट वाटर प्रूफ आईलाइनर है। मैंने हमेशा लैक्मे यूज़ किया है, दूसरा कोई आईलाइनर आज तक यूज़ नहीं किया, तो मैं सोची चलो ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, इसे एक बार ट्राई करके देखते हैं। दोस्तों ये आईलाइनर का जो ब्रश है काफ़ी छोटा और पतला है, जिससे मुझे ये हैवी थोड़ा सा थिक वाला करने में बहुत मुश्किल हुआ है, पर इसे कर लिया। पर दोस्तों अगर ऐसे अगर छोटा और पतला ब्रश आप देख रहे तो मतलब वो बहुत ही पतला लाइन के लिए है, जैसे
पलकों के पास से, तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया आईलाइनर है। पर ये जब हम ज़्यादा करते हैं तो उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आई मेकअप कर लिया हो और चाहो तो इसी से काजल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे दिखाऊँ तो इसी से काजल कर सकते। फिर इसे हम ब्रश से थोड़ा ब्लेंड कर देंगे। और दोस्तों जैसे कि 7 प्रोडक्ट से मैं मेकअप कर रही हूँ, अब मस्कारा नहीं है तो इसी से ही मस्कारा भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने एक तरह से मस्कारा कंप्लीट कर लिया। इसे और थोड़ा ज़्यादा हैवी भी कर सकते पर इतना काफ़ी है अभी के लिए। अभी फ्रेंड्स ये लिपस्टिक लगा लेते, ये वाला पिंक कलर का है, तो ये थोड़ा बाम जैसा लिखा हुआ है इसमें, लिप बाम जैसा लिपस्टिक है, तो ये मेरे लिप पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। दोस्तों आजकल क्या हो रहा है, मैं जब लिपस्टिक, मैंने बहुत सारी लिपस्टिक खरीदी हूँ तो वो मेरे लिप्स पे मतलब ड्राई हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने दूसरा एक लिपस्टिक लगा के फिर लगाना शुरू कर दिया तो उससे थोड़ा आराम हुआ। पर ये बहुत ही अच्छा है, मुझे लगता है विंटर के सीजन की वजह से मेरा लिप्स ड्राई हो चुका था। पर दोस्तों ये लिपस्टिक जो है ना, ये बस जेली जेली सा है, मैट लुक्स नहीं दे रहा है, पर कोई बात नहीं, लुक्स तो कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैंने 7 प्रोडक्ट में ये मेकअप को कंप्लीट किया, थोड़ा सा और लेके ये जगह लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा कमेंट्स में बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए।